कंप्लीट है, लेकिन आगे का आप देख रहे हैं ये ITC से ये पेंडिंग है। यहाँ तक ये पेंडिंग हो गया है जो कि आदमी को मार्च तक का वेट करना पड़ेगा। ये वहाँ तक पेंडिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ से रोड खत्म, हमारे पीछे देख रहे हैं बालू भरा रहा है अभी ITC की फैक्ट्री। अभी यहाँ से ये पेंडिंग है पूरा लाल रोजा तक, यहाँ से तो मार्च तक उम्मीद है कि मार्च तक, क्योंकि 25 दिसंबर 2021 को तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही काम बाकी है जो कि मार्च तक बताएं कि कंप्लीट हो जाएगा। अभी बहुत उम्मीद कर रहा है डेली अपडाउन हो रहा है, जिससे कि काम में तो है लेकिन टाइम तो लगेगा। ITC हमारे पीछे फिर दूध फैक्ट्री है, हमारे पीछे देख रहे हैं क्या, यहाँ से भी दूध फैक्ट्री का काम हुआ है, काम तो हो रहा है लेकिन टाइम तो लगेगा। ट्रक भी आ रही है, दिन रात काम चल रहा है, टाइम तो लगेगा। हमारे पीछे जस्ट ये वहाँ से रोड बन गया है, लेकिन यहाँ से अब पेंडिंग है जो वर्क टाइम लग जाए। ट्रक अभी फंस गया है जिससे कि ईरान से ये धक्का दे रहा है, बालू में चलने के बाद दिक्कत हो जाता है ना, बालू में फंस जाता है ना। अब ट्रक निकल गई, यही समस्या है, बालू तो देना नहीं चाहिए, मिट्टी भरना चाहिए। ये लोग क्या बोल रहे, काम कर रहा है और यहाँ से ये पेंडिंग देखिए ITC, ये ITC ही है दूध फैक्ट्री। यहाँ से ये पेंडिंग है पूरा, टाइम लगेगा 25 दिसंबर 2021 को तो नहीं, लेकिन फिर भी काम तो तेज़ी से चल रहा है, काम बहुत तेज़ी है, पीछे काला पत्थर दिखा रहा है, काम तो तेज़ी से चल रहा है, टाइम तो लगेगा, पूरा जोर शोर से लगे हुए। और ये हो गया सीतापुर का रास्ता, सीतापुर का रास्ता जा रहा है और ये पूरा फ्लैट है, साइकिल जो जा रहे हैं वो पूरा जो भी आदमी जा रहा है। काम तो बहुत पेंडिंग है, अभी बहुत ही बालू भरना है। ITC देख रहे होंगे हमारे पीछे, तो अभी बहुत ही वर्क है, ऐसी बात नहीं कि वर्क तो बहुत है। काला पत्थर क्योंकि वर्क चल रहा है, ये पत्थर है काला पत्थर। और एक चीज़ जो कंपनी की तरफ से जो विवाद चल रही थी, इसी फैक्ट्री की देखिए विवाद चल रही थी, क्योंकि ये विरोध कर रहे थे, ये फैक्ट्री जो है दूध फैक्ट्री थी पीछे, कैसे गाड़ी उड़ी जाएगी इसी चीज़ का, ये जो दूध फैक्ट्री अब दिख रहा है तो इसी के लिए लटका हुआ है काम, ये आप देख रहे हैं। ये जो फैक्ट्री देख रहे हैं आप दूध फैक्ट्री है, तो ये अप्रोच पथ इसी के लिए, बालू फैक्ट्री नहीं है लेकिन काम तो हो रहा है, काम हो रहा है जोर शोर से। ये फैक्ट्री जो फैक्ट्री है ये बीच में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उनको भी आने जाने का रास्ता चलते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ आपको दिखाते हैं। काम तो भी है, काम तो ये काला पत्थर है, यहीं पर सीप धाम है, बहुत ही फेमस है मुंगेर का सीप धाम, जो कि अगर मुंगेर आते हैं तो एक बार जरूर आए, बाकी तो मुंगेर के लोग जानते हैं सीप धाम के बारे में। ये काला पत्थर हो गया,
इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारा चीज़ है जो कि हमें लोग को देखना चाहिए। पीछे आपका लगता देख रहे हैं ये आईटी फैक्ट्री, जो कि आराम रहता है पूरा रिलैक्स। ये हमारे पीछे देख रहे हैं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है मुंगेर का, इंजीनियरिंग कॉलेज। अब इनका भी रास्ता है तो देखा जा रहा है कि रास्ता कहाँ से दिया जाए। ये तो बंद हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो साइड से मांगा जा रहा है रास्ता, देखिए क्या होता है। और ये बगल में ये रोड बन रहा है यहाँ से, तो पेंडिंग तो है अभी बहुत, लेकिन फिर भी हमें थ्री मंथ और वेट करना पड़ेगा। रोड का काम प्रोग्रेस हो जाएगा, तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज है पीछे आप देख रहे हैं, पीछे एकदम रोड का एकदम पूरा जोर शोर से लगे हुए, क्योंकि 25 दिसंबर 2021 को उद्घाटन हो जाए, लेकिन फिर भी टाइम तो लगेगा। काम एकदम जोरों शोरों से एकदम चल रहा है, जोर शोर से रोड चल रहा है। ये बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज और ये बीरपाल, तो यहाँ से तो रोड कंप्लीट है, यहाँ से बीच में यहाँ रोड का काम चल रहा है पूरा, देख सकते हैं। फाइनल टच मेरी कोशिश, जो कि 25 दिसंबर को मुंगेर वासियों को बहुत ही आराम हो, लेकिन पूरा फाइनल टच दे रही है, जो कि मुझे बस तो आराम हो, बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से वर्क चल रहा है, बहुत तेज़ी से वर्क चल रहा है, काम तो पूरा तेज़ी से हो रहा है।